वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे जो आज के दिन का आखिरी मैच होगा एसएस वर्सेस बीएलबी के बीच, जिसके बारे में। तो टी10 फॉर्मेट का मैच है और इन मैचेस में ट्रम्प कार्ड आपको इतने गजब के बताऊंगा ना भाई, आप भी कहोगे भाई मजा आ गया। देखिए अभी वीडियो स्टार्ट ही हुई है ना, वैसे तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन जब आप लोग टीम रेडी करने जाओगे या फिर आपका जो ओपोनेंट होगा वो कैसी टीम लेके आएगा, बैटिंग सेक्शन ही देख लो, बाकी तो बाद में देख लेंगे। दो तो ये फिक्स है और इनको तो भाई ड्रॉप भी नहीं करना है। अब जो तीसरा प्लेयर होगा ना, उसकी टीम में मोस्ट से मोस्ट चांस ये रहेगा या फिर 20% ये भी है, तो ये रहेंगे, लेकिन आपको किसको लेना चाहिए तो देखते जाइए। सो गाइज, यहाँ से ये जो प्लेयर है एच कैंपबेल, 7% सेलेक्टेड है बंदा, एंड यहाँ पे आइए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बंदा करेगा ओपनिंग, लास्ट मैच में रनआउट हो गया था, ठीक है। और अगर आप लोग को लगे कि यार ओपनिंग करेगा तो कर क्या लेगा, तो ओपनिंग करेगा तो कर क्या लेगा, उसका भी ये मेरे पास जवाब है। लास्ट सीजन 2021 के अंदर गजब का परफॉर्मेंस दिखा के 78 रन, 13 रन और उसके अलावा 54 रन्स, तो मतलब कि पहला ट्रम्प कार्ड तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, अभी तो और बताऊंगा, अभी तो देखते जाइए आप वीडियो, ठीक है। तो दोनों टीमों काफ़ी गजब की टीम है, क्योंकि 3-3 मैच दोनों टीमों ने खेले हैं, एक मैच हारा है, दोनों टीमें 2-2 मैच जीत के आ रही है। और मेन चीज, लास्ट के जो मैच हुआ है, मतलब इस मैच से पहले जो लास्ट मैच हुआ है, दोनों टीमें विन करके आ रही है। तो बैटिंग सेक्शन से ट्रम्प तो आपको मिल ही गया, ठीक है, अभी और देखते जाइए। बाकी उससे पहले एक चीज़ देखिए, स्टार्ट हुई है वीडियो तो मैं आपको एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली जब वीडियो आए वो आपको मिले। वीडियो अगर आपको लगे कि हाँ यार वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, लाइक जरूर कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है टेलीग्राम से ज्वाइन होना, देखिए यहाँ पे ज्वाइन जरूर हो जाना, रीजन सिंपल सा है, जो फाइनल आपको टीम मिलेगी वो टेलीग्राम पे मिलेगी। और ये जो है ना टी10 फॉर्मेट है, 90% से ज़्यादा गेम टॉस के ऊपर डिपेंड होता है, तो ध्यान रखना जो फाइनल आपको टीम मिलेगी वो टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। तो गाइज, अब पहले मैं आपको एक बार बैटिंग ऑर्डर बता देता हूँ दोनों टीमों का, वैसे सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, ठीक है। टी10 की वीडियो देख लो, आपको मजा नहीं आ जाए तो मुझे बोल देना आप लोग। तो एसएस की टीम का लास्ट मैच का जो था वो लैंडन लॉरेंस और हीरोन कैंपबेल ओपनिंग करेंगे, डगलस आएंगे वन डाउन, माइकल जोसेफ आएंगे सेकेंड डाउन। बॉलिंग देखिए, बॉलिंग में आपको देखने को मिलेगा केम चार्ल्स 2 ओवर 2 विकेट, डी मार्टिन कोई विकेट नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर डी मार्टिन की टीम बॉलिंग करती है, ठीक है, बॉलिंग करती है तो ये मान लेना भाई आंख बंद करके ले लेना, क्योंकि ये डेथ में आएगा और डेथ में आएगा तो ये विकेटलेस नहीं जा सकता है। अभी आप कहोगे क्या लास्ट मैच में भी तो गया था, तो हर मैच में थोड़ी ऐसा होता है, जैसे कि बुमराह है एक मैच में विकेटलेस गया तो हर मैच में नहीं जाएगा ना, वही अरे विंसी देखा होगा ना आपने भाई, विंसी के मैचेस मार्टिन को कोई भाई आंख बंद करके ड्रॉप नहीं करता था, आंख बंद करके खोल के भी, मतलब आंख बंद करके तो लिया जाता है, ठीक है। तो मार्टिन एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद जोश थॉमस से 2 विकेट, रियान जोहन 2 ओवर में 1 विकेट और माइकल जोसेफ 2 विकेट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना है, ठीक है, जब लोग टीम रेडी करने जाएंगे ना, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक टीम बनाता हूँ, ठीक है, आपके सामने ही बना रहा हूँ, जैसे अभी आपको ट्रम्प तो पता लग ही गया, अब आपसे क्या छुपाना है, जैसे मैं टीम रेडी कर रहा हूँ, यहाँ से ले लीजिए ये। अब लोगों की टीम क्या रहेगी ना, कैप्टन तो फिक्स होग, इसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन लेगा भी नहीं कोई। वीसी में एक तो आपके पास डी स्मिथ है, डगलस है और जोसेफ है। अब देखिए, हालांकि मैं डगलस को बनाता वीसी, लेकिन अब मैं डगलस की जगह पे जोसेफ को बनाऊंगा, रीजन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बंदा 2 ओवर बॉलिंग भी करेगा और एक मैच में मैंने इसको लिया भी था, अगर आप लोग मेरे टी10 को फॉलो करते हो तो इस मैच में मैंने इसको लिया था इस मैच के अंदर, ठीक है। इसने ना तो बॉलिंग की थी ना इसकी बैटिंग आई थी, इस मैच में मैं खेला ही नहीं था, इस मैच में फिर ये मैं मतलब देख रहा था मैं, कल इनका शाम का मैच था ये, तो उसमें 15% सिलेक्टेड था बंदा, 2 विकेट भी लेके गया, सेकेंड डाउन बैटिंग करके हिटिंग करके बहुत अच्छा स्कोर भी करके गया और सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मर रहा था। तो वीसी के बेस पे बेस्ट अभी के लिए ये है, ठीक है। तो वीसी का आप काम खत्म कर देना, ठीक है। एंड उसके अलावा ये तो हो गया किसका, एसएस टीम का। अब सेकंड जो टीम है हम उसका भी देख लेते हैं, बीएलबी भी गजब टीम है, ठीक है, और इसके विनिंग चांसेस एसएस की टीम से ज्यादा है, क्योंकि इनके पास केवम होग एक ऐसा प्लेयर है जो अकेला ही पूरे गेम को चला सकता है। तो होग और जे रॉबिन्सन ओपनिंग करेंगे, ठीक है। अब रॉबिन्सन का मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हालांकि ये भी ओपनर है, ठीक है, और ओपोनेंट जो है ना इसके साथ भी आ सकता है, रॉबिन्सन के साथ ऐसा 20% देख रहे हो ना, इसके साथ भी आ सकता है, ऐसा मत समझना कि कैंपबेल अपना ट्रम्प है तो और लोगों का ये ट्रम्प भी हो सकता है, क्योंकि ये भी ओपनर है ना। लेकिन मैंने आपको फर्क बता दिया है कि कौन प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है।
तो उसके बाद इनके साथ ओपनिंग करेंगे केवम होक और वन डाउन आएंगे डिवोन स्मिथ। लास्ट मैच में इन्हीं की बैटिंग आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो बैटिंग के लिए आएगा वो रहेगा डेनिस स्मिथ, एसटी हिलेरी, तो इस तरीके से आएंगे ये, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बॉलिंग की बात करता हूँ इनकी, तो बॉलिंग में आपको देखने को मिलेगा रिचर्ड रोगर्स 2 ओवर में 1 विकेट, शेरमोन लेविस 2 ओवर में 1 विकेट, अमिकेल डुबेस्टी 2 ओवर में 2 विकेट, नेलन पास्कल 2 ओवर में 1 विकेट, और केवम होक 2 ओवर में कोई विकेट नहीं। ये बॉलिंग का परफॉर्मेंस रहा था लास्ट मैच का। अब एक बात ध्यान देना, जो हॉकी टीम है, ठीक है, इनके पास जो है ना, हालांकि ये टीम बहुत अच्छी है, लेकिन बॉलिंग अटैक भाई इसके पास ज्यादा बेटर है एसएस के पास, तो टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि अगर अकेला होग फ्लॉप हुआ, जैसे कि अभी बॉलिंग में यहाँ से फ्लॉप हो गया था होग, और सामने वाली टीमों के पास अच्छे बैट्स बॉलर थे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कोई भी ऐसा, मतलब ये जरूर मस्त है जो नाथन टेलर, मैंने आपको कल भी बोला था कि इससे तगड़ा बॉलर कोई है ही नहीं, बहुत गजब का बॉलर है, लाइव बॉलिंग भी देख लेना कभी मैच होना इसका। तो इस बॉलर के अलावा कोई भी अच्छा बॉलर नहीं था, आप देखोगे 4 से 1 ओवर में 25 रन। तो यहाँ पे होग जो है ना बैटिंग करके चला गया था, अगर होग फ्लॉप हो जाए तो ये टीम हारने के कगार पे आ जाएगी, देख लेना, ठीक है। तो अब और इनके पास जो है ना बॉलर काफी अच्छे हैं, तो इसीलिए जो मेरी टीम में रहेगी ना उसमें मैं 6-5 का कॉम्बो रख रहा हूँ, 6 प्लेयर एसएस के और 5 प्लेयर बीएलबी के। अभी प्लेयर कौन है वो भी दिखाऊंगा, बाकी याद रखना फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं। अब देखिए डायरेक्टली आ जाइए आप मेन पॉइंट पे, विकेट कीपर आपके पास 3 ऑप्शन है, डेनिस स्मिथ बैटिंग के लिए अगर बीएलबी बैटिंग करती है तब इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन एक तो ओपनर है, एक 5वें पे बैटिंग करेगा, किसके साथ जाना बढ़िया रहेगा आप खुद समझदार हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम ले लेते हैं लॉरेंस को, बैटिंग में 3 फिक्स है ही, कैम्बेल अपना ट्रम्प कार्ड है, क्यों मतलब क्यों है ये तो बता चुका हूं मैं। ऑलराउंडर में आ जाइए, होक इंपॉर्टेंट है, जोसेफ इंपॉर्टेंट, ठीक है। बॉलिंग में आ जाइए, बॉलिंग में आने के बाद रोगर्स इंपॉर्टेंट है और चार्ल्स इंपॉर्टेंट है, 8 प्लेयर फिक्स कर लो, वाइस कैप्टन जोसेफ, ठीक है। तो ये फिक्स हो गए, अब बात आती है 3 प्लेयर पे, ये सही सिलेक्ट करना और मैच को जीतना। अब देखिए अगर मार्टिन की टीम बॉलिंग करती है, मार्टिन डेथ में आएगा तो ट्रम्प सेकेंड ट्रम्प कार्ड ये हो जाएगा, ठीक है। मार्टिन की टीम बॉलिंग करती है तो मार्टिन अपना ट्रम्प कार्ड हो जाएगा, 9 प्लेयर। उसके अलावा अगर आप लोग प्लेयर देखोगे, पास्कल है, अमिकेल डुबेस्टी है, रेहान जोहन है, रेहान जोहन जो है टीम का कैप्टन है एसएस का, और बेहतरीन चीज ये है कि आपको बैटिंग भी देगा बॉलिंग भी देगा और हिटर है, तो 10 प्लेयर हो गए। 11वां प्लेयर जो है ना बीएलबी की साइड से, एक तो लेविस है, एक पास्कल है और एक डुबेस्टी है। डुबेस्टी का मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये टीम पहले बैटिंग करती है, ठीक है, तब तो आप लोग ले सकते हो, और अगर ये टीम बॉलिंग करती है ना उस केस में पास्कल को ले लेना, क्योंकि पास्कल जो है ना डेथ में आएगा और डेथ में आने वाले को मैं कभी ड्रॉप करता भी नहीं हूँ। तो मेरी जो टीम है ना इस मैच की वो ये है, वीसी जोसेफ रहेगा, और वीसी के लिए आपके पास ये भी अच्छा ऑप्शन है, चार्ल्स भी, अगर चार्ल्स की टीम बॉलिंग करे तो, क्योंकि कैप्टन तो सबको पता है हो गया आएगा सभी का, है ना, और हो को ही रखना है अपन को भी। अब वीसी की बात है तो जोसेफ, जोहन और डगलस, ये 3 प्लेयर है और एक चार्ल्स है, तो मैं जो है ना एम जोसेफ के साथ जा रहा हूँ। जोसेफ का रीजन आपको बता ही दिया है मैंने, और ट्रम्प बता दिया, मार्टिन हो गया, पास्कल एज ए नॉर्मल ट्रम्प हो गया, और बैटिंग में कैम्बेल हो गया, वीसीआर डिफरेंशियल हो गया, तो ये मेरी टीम है। और बाकी जैसे मान लो मैं आपको है ना मतलब 10 प्लेयर की टीम दूँ, क्योंकि वीडियो देखिए कई लोग वीडियो देखते ही नहीं है, अब वो डायरेक्टली टीम कॉपी कर लेते हैं, तो अगर मैं आपको 10 प्लेयर की टीम दूं और बैट्समैन नहीं दूं तो समझ जाना कैम्बेल को मैंने लिया है, और अगर मैं आपको बॉलर में 10 प्लेयर की टीम मतलब बैट्समैन भी देता हूं, 10 प्लेयर की टीम देता हूं और 11वां प्लेयर बोलता हूं कि भाई आप इन तीनों में से किसी एक को ले लो, और मार्टिन की टीम करती है पहले बॉलिंग तो मार्टिन को ले लेना। तो मतलब कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो वीडियो देखेंगे ना उनको बहुत फायदा है। अब जो बंदे भाई मतलब नहीं देखते तो भाई अपन भी क्या करें, मैं इतनी सारी चीजें आपको बताया हूं, अब ये टेलीग्राम पे कैसे पता लगेगा, जब टीम दूंगा तब, जब हार जाएंगे तब बोलेंगे भाई ये टीम दी थी हार गए। अब भाई रीजन देखिए पीछे का जो मैं आपको टीम में दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये टीम में वीसी जोसेफ है, मार्टिन का ध्यान रखना, अगर मार्टिन की टीम बॉलिंग करती है 11वां प्लेयर में नहीं देता हूँ तो मार्टिन रहेगा, बाकी तो जो चेंजेस होंगे वो मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत है नहीं, ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन के लिंक से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।